तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इन्फिनिक्स का सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, मेरे वीडियो पर बहुत ही कमेंट आ रहा है कि सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम का सलूशन बताइए, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्फिनिक्स फ़ोन के सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग का यह प्रॉब्लम आ रहा है, बस आपको एक सेटिंग करना है, उसके बाद यह प्रॉब्लम आपके फ़ोन में कभी भी नहीं आएगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम क्यों आता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ यह प्रॉब्लम क्यों आता है। तो गाइस, यह प्रॉब्लम इसलिए आता है जब आप इन्फिनिक्स फ़ोन का चार्जर यूज करेंगे तो सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप अदर किसी भी कंपनी या कोई अदर डाटा केबल यूज करेंगे अपना चार्जर छोड़ के, तो सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम का ऑप्शन आने लगता है फ़ोन में। यही आप करेंगे तभी आता है, लेकिन इसे आप बंद भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका चार्जर कंपनी का ख़राब हो गया, आप दूसरा चार्जर यूज कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए वो ऑप्शन हमेशा आएगा, तो कौन सा सेटिंग ऑन करना है जिसके बाद आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको मोर कनेक्शन पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्राइवेट DNS पर आना है, तो आप ऊपर सर्च कर देंगे ब्लूटूथ। चलिए यहाँ पर आपको ब्लूटूथ लिख देना है। यहाँ पर ब्लूटूथ भी लिख देंगे तो आ जाएगा आपके फ़ोन में। यहाँ पर ब्लूटूथ लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। देने पर ब्लूटूथ मोर कनेक्शन दिया हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट DNS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऑफ, ऑटोमेटिक, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। या तो ऑटोमेटिक पर होता है, ऑटोमेटिक पर होता है तो जब बस आप इन्फिनिक्स फ़ोन का चार्जर लगाएंगे तो सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि अदर कोई कंपनी का डाटा केबल या चार्जर लगाएंगे तो सेफ चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो इसे बंद आपको कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे आपको ऑफ कर देना है। सबसे ऊपर ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको सेव कर देना। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेफ चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे फ़ोन में ऐसे हो रहा था, तो मैंने यही तरीका अपनाया, जिसके बाद मेरे में तो ऑप्शन अब नहीं आ रहा है। तो आपको भी ऐसे करना है तो प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इन्फिनिक्स फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। और एक प्ले लिस्ट भी बनाया है इन्फिनिक्स फ़ोन में, हर इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना और जो जो मैंने वीडियो बनाया देख लीजिएगा, आपका सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन एनालिजिबल वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।